लैक ऑफ प्लानिंग, नेक्स्ट वन इज स्मॉल फार्मर्स इग्नोर्ड. ठीक है, जो छोटे छोटे किसान है उनको इग्नोर किया जाता है, उनको प्रॉपरली फाइनेंस जो है वो नहीं दिया जाता काम करने के लिए. ठीक है, तो ये भी आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉब्लम होती है कि आपके पास जब लैक ऑफ फाइनेंस होती है, तो छोटा फार्मर जो है वो बेशक उसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हो, बेशक उसको बहुत ज्यादा एफिशियंटली काम करना आता हो, लेकिन क्या है उसके पास फाइनेंस नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है. तो उस केस में भी जो है हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे डिक्लाइन करते हैं. नेक्स्ट वन इज सोशल प्रॉब्लम्स. हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स में हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है, दैट वन इज इलिटरेसी. इलिटरेसी क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन. ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन है फार्मर के पास. ठीक है, फार्मर के पास भी अगर कहें हम, इसके अलावा हम लोग फार्मर से जितने लोग इंटरलिंक कर रहे हैं हम उनके पास भी इसको कंसीडर कर सकते हैं. जस्ट लाइक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास भी इतनी एफिशिएंट जो है एजुकेशन नहीं है, उसको कमांड ही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर. अब आके ये चीजें हुई हैं कि एग्रीकल्चर जो है, मतलब पूरी स्टडी है, एग्रीकल्चर स्टडीज है हमारे पास, डिपार्टमेंट है आपके यूनिवर्सिटीज में, आपको नजर आएंगे. ठीक है, तो आपके पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी पढ़ी जाती है, जिसमें हर चीज़ की अवेयरनेस दी जा रही होती है. लाजमी नहीं काश्तकारी एक फार्मर ही करे. अगर फार्मर का एक बेटा है, ठीक है, वो अगर एग्रीकल्चर स्टडी कर लेता है, ठीक है, क्योंकि फार्मर तो पढ़ नहीं सकता. ठीक है, तो आने वाले वक्त में डेफिनेटली वो लैंड जो है वो उसी ने संभालनी है, तो वो उस लैंड को प्रॉपरली एजुकेशन के थ्रू, जो उसने एजुकेशन गेन की हुई है, उसको वो प्रैक्टिकली इम्पोज करेगा और वो बेहतर तरीके से उस लैंड के ऊपर प्रोडक्टिविटी कर पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो सोशल प्रॉब्लम हमारे पास आती है, दैट वन इज पॉवर्टी. पॉवर्टी है गुर्बत. मैंने आपको क्लास में भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि गुर्बत है आपके पास. ठीक है, मुल्क में, ठीक है, आपके पास जो किसान है उसका एक एम ही नहीं होता ज्यादा पैसे कमाना. वो उसके पास जो है रिसोर्सेज ही नहीं होते. वो कहते हैं चलो ठीक है, जितना आ रहा है मैं इसमें ही मैनेज करूंगा. ठीक है, क्यों? उसके पास गुर्बत है. वो उसको नजर आ रहा है कि अगर वो ये मॉडर्न मशीनरी यूज कर ले तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन क्या वो गरीब है, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे इस चीज को अवेल करेगा? तो वो क्या करता है, इसको इग्नोर करके जो चीज उसके पास आ रही होती है, जो पैसे उसके पास इकट्ठे हो रहे होते हैं, वो उसी में ही अपना सिस्टम मूव ऑन कर रहा होता है. नेक्स्ट वन इज अनप्रोडक्टिव यूजेस. ठीक है, अनप्रोडक्टिव यूजेस का मतलब है कि आपकी जो लैंड है, ठीक है, वो अनप्रोडक्टिव यूजेस है उसके. उसको जिस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहिए उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा रहा. ठीक है, लेट्स सपोज एक लैंड जो है आपके पास, वहां पे आप टमाटर जो है अच्छी कर सकते हो. टमाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी फर्टिलिटी बेहतर है एज कम्पेयर टू पोटैटोज, लेकिन किसान को इस बारे में नॉलेज नहीं है. ठीक है, तो वो उसका अनप्रोडक्टिव यूज ले रहा है. लैंड यूज तो हो रही है, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ZTBL, जरियाई तरक्याती बैंक लिमिटेड. ठीक है, पाकिस्तान में इसके बहुत सी ब्रांचेस हैं, आप लोगों ने इसके नाम भी सुने होंगे. ठीक है, ब्रांच बैंक का, ये आपके पास बेसिकली एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए बैंक बनाया गया है. इस बैंक का जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि ये किसानों को लोन प्रोवाइड करे. ठीक है, अब जब किसानों को लोन मिलेगा तो डेफिनेटली वो उस पैसे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे अपनी बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए. तो जब किसान बेहतर प्रोडक्टिविटी करेगा, हमारे पास अच्छे क्वालिटी का जो है वो गुड प्रोड्यूस होगा, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होंगे, हम उसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे. एक्सपोर्ट करने से हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी जो कि हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करेगी. ठीक है, तो ये आपके पास जो ZTBL का रोल है, ZTBL हमारे पास बेसिकली जो डेवलपमेंट रोल प्ले करता है, इसका बेसिक मोटिव होता है कि ये जो है जो रूलर है उसको अपलिफ्ट करे, उसको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रिजोल्व करे, एक्सपोर्ट इससे बढ़ेगा. अब इसके इंपॉर्टेंट ये जो फंक्शन होते हैं, इसमें इसने बहुत ज्यादा जो है वो रोल प्ले किया है. फर्स्ट, ZTBL ने हमें जो किसान है, ठीक है, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि ये बैंक जो है वो किसान के लिए बनाया गया है, उसने किसान को सर्विस दी है वन विंडो ऑपरेशन की. ठीक है, वन विंडो ऑपरेशन की सर्विस देने से मुराद है कि किसान जो है, वन विंडो आपने सुना होगा, वन विंडो ऑपरेशन बेसिकली ये है कि आप जब पहले जाते हो किसी पर्सन के पास तो वो पहले आपकी बात सुने. ठीक है, वहां पे आपको कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा. एक किसान है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसको नहीं पता कि प्रॉपरली क्या वे होता है, तो उसके लिए एक वन विंडो ऑपरेशन बना दिया गया कि वो डायरेक्टली आके आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, आपको अपने प्रॉब्लम्स बता सकता है कि आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, जब आपको अपने प्रॉब्लम्स बता देगा तो आप उसको डायरेक्टली जो है वो रिजोल्व आउट कर सकोगे. उसको जिस पर्पज के लिए लोन चाहिए होगा वो आप उसको लोन प्रोवाइड कर दोगे. नेक्स्ट है बेनजीर ट्रैक्टर स्कीम. ट्रैक्टर के नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि जो है ट्रैक्टर की जो है वो फैसिलिटी दी जा रही है जिस किसान को चाहिए. ठीक है, उसकी लैंड के लिए है कि पेपर्स जरूर रखे जाते हैं एज ए लीगल अथॉरिटी, लेकिन उसको जो है वो अकोमोडेट किया जाता है.
अवामिट ट्रैकर स्कीम है हमारे पास, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन है और पोल्ट्री फार्म स्कीम है, और भी बहुत सारी स्कीम है जो कि अंडर द हेड ऑफ ZTBL आती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अब मैंने कुछ मेजर्स आपके पास नाम जो है मेंशन किए हैं, ये जो है ZTBL की स्कीम है जो रियायत कहती है बैंक लिमिटेड की, कि ये किसान को किस किस तरीके से कौन कौन से स्कीम्स के या कौन कौन से ऑपरेशन के थ्रू जो है वो फैसिलिटेट करता है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये बैंक मेरा का नाम क्या बताया है? एब्रिवेशन ZTBL समझ नहीं जरियाई आया। तरक्याती बैंक लिमिटेड, ओके मैम, ठीक है। आपने ये पाकिस्तान में लाहौर में भी बहुत ज्यादा इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दो तीन पॉइंट शेयर करना चाहूंगी, उसके बाद आई विल गिव यू असाइनमेंट। करंट सिचुएशन हम सिनेरियो देख लेते हैं, इस टाइम हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे पास करंट जो सिनेरियो है वो क्या है। करंट सिचुएशन में हमारे पास इस टाइम जो सिचुएशन हमारे पास लाइक कर रही है दैट इज सिचुएशन में बेटा हमारे पास इस टाइम जो हमारी इकोनॉमी है वो कहाँ पे लाई कर रही है और उसका टारगेट क्या क्या था कि उसको कहाँ तक जाना था। हम लोग वो दोनों डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद हमें कंपैरिजन पता लग जाएगा कि हमारी इकोनॉमी को कितने कितने जो है वो बेहतर होने की जरूरत है। इस टाइम जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो जस्ट 2.65% है हमारे पास, ठीक है। जबकि हमारा टारगेट क्या था, टारगेट हमारा था कि हम लोग 2020 में अपने जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसके जीडीपी ग्रोथ को हम 3.5% तक ले जाएं, पर अनफॉर्चुनेटली वी आर फेल टू अचीव इट। टारगेट हमारा 3.5% था लेकिन हम लोगों ने अचीव कितना किया, 2.67%, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास आती है कि हमारी कितने पर्सनल लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में गए। मैम प्लीज इसे दोबारा रिपीट कर दे। ओके बेटा, हमारा जो मोटिव था ना, हमारा मोटिव था कि हम लोगों ने जो अपने एग्रीकल्चर की जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसको 3.5% मिनिमम होना चाहिए था 2020 में, ठीक है। लेकिन वो नहीं हुई, हम लोगों ने टारगेट इतना रखा था कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना बेहतर बना लेंगे कि वो हमारे जीडीपी में 3.5% तक एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करे, पर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि ये कुछ कोरोना का इशू हो गया था 2020 में, इसके अलावा भी और बहुत से इश्यूज हैं जो हम लोगों ने ऑब्स्टेकल्स पड़े हैं, ठीक है। और वो करंटली कितना कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे पास, 2.67%, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर फोर्स, ठीक है। अब लेबर फोर्स हमारी क्या है, वो हजरात जो काम करते हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं, ठीक है। अब लेबर फोर्स तीनों सेक्टर्स में डिवाइड है, तीन सेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड लास्ट वन इज सर्विसेज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास जो लेबर फोर्स है कितनी है। इंडस्ट्री का मैं आपको इंडस्ट्री वाले लेक्चर में और सर्विसेज के लेक्चर में बताऊंगा। हमारी टोटल 100% पॉपुलेशन में से 42.3% जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज जो है गेंज है, ठीक है। अब हमारे पास देखें कि मतलब राउंड अबाउट हाफ ये बन जाती है, तो हमारी हाफ पॉपुलेशन जो है अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारी इकोनॉमी को इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। जस्ट हमारी ग्रोथ जो है वो 2.67 है, जबकि आप डेवलप कंट्रीज की देखो जो हमारे पास जैसे लाइक चाइना हो गया और हमारे पास यूएसए यूके, इनकी जो है राउंड अबाउट 8 to 9% आपको जो है वो ग्रोथ जो है नजर आएगी माइनर स्केल पे, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एंड इट इज द एंड ऑफ लेक्चर, आपके पास असाइनमेंट है, यू हैव टू रिकमेंड मी पॉलिसीज टू बूस्ट अप जीडीपी ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। कि एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए हम ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाएं जिससे जो है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बेहतर हो। डेफिनेटली तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास बेहतर होगा तो वो ऑटोमेटिकली जीडीपी में बेहतर कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप लोगों ने मुझे एटलीस्ट 5 to 6 पॉलिसीज जो है वो आप लोगों ने मुझे रिकमेंड करनी है जो आपके अपने माइंड में आएंगी कि आप लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके आप लोग अपने माइक जो है अनम्यूट कर लें, जिसका जो प्रॉब्लम है।